हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज हम बात करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में, जिसमें से फर्स्ट डेफिनेशन, इसके पर्पस, इसमें कौन से आर्टिकल्स रिक्वायर होते हैं और नर्सिंग मैनेजमेंट। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। कंप्लीट और पार्शियल ब्लड सेल और प्लाज्मा, मतलब कंप्लीट या आधा कुछ भाग जैसे प्लाज्मा या सेल्स ट्रांसप्लांट टू वन पर्सन टू अदर पर्सन इज कॉल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना, ब्लड को ट्रांसफर करना क्या कहलाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब इसके बाद इसके पर्पस की बात करते हैं। तो फर्स्ट है सीवियर एनीमिया। सीवियर एनीमिया है रिकवरी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स वॉल्यूम, इसके बाद रिकवरी ऑफ हीमोग्लोबिन लेवल और इंक्रीज द इम्यूनिटी पावर। मतलब सीवियर एनीमिया की कंडीशन में क्या करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, रिकवरी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स वॉल्यूम, जो बॉडी का जो फ्लूइड वॉल्यूम है उसको रिकवरी करने के लिए, इसके बाद हीमोग्लोबिन को रिकवरी करने के लिए, और थर्ड है हमारा, फोर्थ है इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करने के लिए। तो ये था हमारा पर्पस। अब इसके आर्टिकल्स, रिक्वायर आर्टिकल्स की बात करें तो सबसे पहले है ब्लड बैग, ठीक है, जो ब्लड है उस बैग वो होना चाहिए। इसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट, मतलब जो सेट होता है ट्रांसफ्यूजन सेट वो होना चाहिए। इसके बाद ब्लड वार्मर, मतलब ब्लड जो होता है ठंडा होता है उसको गर्म करने के लिए जो वार्मर होता है वो चाहिए। इसके बाद ऑल अदर आईवी आर्टिकल्स, जो आईवी आर्टिकल्स जैसे कि फ्लूइड्स वगैरह हो गए, इसके बाद कैन्यूला हो गई, तो इजीफिक्स वगैरह जो है वो आर्टिकल्स में चाहिए। तो ये थे हमारा रिक्वायर्ड आर्टिकल्स। अब हमारा जो बात करेंगे वो है रोल ऑफ नर्स इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जो नर्स है उसका क्या रोल होता है, हमारे जो नर्स मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है जिसमें मेन हमारा जो वर्क होता है वो होता है नर्स का ही होता है, इसलिए रोल ऑफ नर्स इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या करेंगे, मतलब बिफोर ब्लड जो ट्रांसफ्यूजन है उससे पहले चेक द ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप है उसको चेक करेंगे। टेक अ कंसेंट फ्रॉम द पेशेंट, मतलब जो पेशेंट है उससे कंसेंट फॉर्म लेंगे। इसके बाद चेक द ब्लड ट्रांसफ्यूजन एलर्जी टेस्ट, मतलब उसको कोई एलर्जी तो नहीं है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। इसके बाद चेक द वाइटल साइंस, पेशेंट के वाइटल साइंस चेक करेंगे, यदि कोई हाइपरटेंशन जैसी कंडीशन हो तो उसको वहीं रोक देंगे, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करेंगे। इसके बाद चेक द ब्लड बैग, जिसमें डेट ऑफ एक्सपायरी, लीकेज, चेंज इन कलर और क्लॉथ, मतलब और ब्लड ग्रुप चेक करेंगे और आरएच फैक्टर चेक करेंगे। डेट ऑफ एक्सपायरी मतलब उसकी एक्सपायरी डेट चेक करेंगे, कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है। इसके बाद चेंज इन कलर, उसका कोई कलर में कोई चेंज तो नहीं है या क्लॉथ वगैरह तो नहीं हो गया है। इसके बाद जो पेशेंट का जो ग्रुप है ब्लड ग्रुप, वही ब्लड ग्रुप है या कोई दूसरा है। इसके बाद जो आरएच फैक्टर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो आरएच फैक्टर हम चेक करेंगे। अब ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसप्लांटेशन, मतलब जो ब्लड ट्रांसप्लांटेशन होगा उस समय क्या करेंगे, फॉलो द स्टैंडर्ड परक्यूशन फॉलो करेंगे। इसके बाद गिव द आईवी रूट थ्रू द नॉर्मल स्लाइन, पहले नॉर्मल स्लाइन आईवी रूट के थ्रू प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद यूज 18 एंड 90 गेग ऑफ नीडल, जो 18 से 19 गेग की जो नीडल है उसको यूज करेंगे। इसके बाद बिफोर 30 मिनट गिव डीफाइन हाइड्रामिन ड्रग्स जो होती है वो प्रोवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि कोई रिएक्शन वगैरह ना हो इसलिए। इसके बाद नॉट यूज ड्रग इन ब्लड बैग, जो ब्लड बैग है उसके अंदर कोई भी ड्रग यूज ना करें। इसके बाद रिकॉर्ड द साइन एंड सिम्टम, जो साइन एंड सिम्टम है उस पेशेंट के वो हम क्या करेंगे, नोट करेंगे। इसके बाद स्टार्टिंग रेट्स रेयर स्लो, मतलब स्टार्टिंग में जो उसकी जो रेट होती है वो स्लो धीरे ही चलाएंगे। इसके बाद आफ्टर 15 मिनट नॉट रिएक्शन, यदि कोई रिएक्शन नहीं होता इसके बाद उसकी स्पीड को हम बढ़ाएंगे। तो ये था हमारा ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान। इसके बाद हम इसके कॉम्प्लिकेशन की बात करेंगे। इसके कॉम्प्लिकेशन कौन से हैं, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जैसे चिल्स, कोई ठंड वगैरह लगना, मसल सेक्स या रेशेस, मतलब उसको कोई मसल से वगैरह हो गया, पेन वगैरह हो, कुछ हो रहा है तो उसको तुरंत रोक देंगे। इसके बाद
सर्कुलेटरी ओवरलोडेड मतलब जो हाइपरटेंशन जैसी कंडीशन हो तब उसको रोक देंगे, मतलब उस कंडीशन में हम ऐसी कंडीशन नहीं करेंगे या उससे कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, तो वो कंडीशन हाइपर ओवरलोडेड है। इसके बाद हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैलीमिया, ठीक है। इसके बाद डिजीज जैसे कि एचआईवी हो गई, हेपेटाइटिस हो गई, बीसी और हिपेरिस वायरस, इससे हम जो ब्लड ट्रांसमिशन होता है उससे ये डिजीजें हो सकती है। हाइपोकैल्सीमिया होगा और हाइपोकैलीमिया भी हो सकता है। तो ये था हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।